नमस्कार दोस्तों, नूतन स्टडीज़ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या चीज़ होती है ये हमने पहले वीडियोस में देख चुके हैं। इसी का एक टाइप है या सब टाइप आप इसको मान सकते हैं, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस। वो क्या चीज़ होती है, क्या फीचर्स होते हैं उसके, वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। EPS दैट इज एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है वो EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत प्रोवाइड की है। और ये क्यों प्रोवाइड की गई है, ये इसलिए प्रोवाइड की गई है ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं वो 58 साल के होने के बाद में उनको एक पेंशन मिलती रहे लाइफ टाइम के लिए, उसके लिए ये स्कीम चालू की गई है। जैसा आपको पता है कि EPF में आपकी सैलरी का बेसिक प्लस DA जो है उसका 12% जो है वो कट किया जाता है और EPF में एज अ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऐड होता है। एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन 12% का रहता है, लेकिन पूरा का पूरा 12% जो है वो EPF में नहीं जाता है, बल्कि 8.33% उसमें से EPS दैट इज एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है और बाकी का 3.67% जो है वो EPF में ऐड किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि अगर आप एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में ऐड होना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि आप EPFO के मेंबर होने चाहिए, मतलब आपका एक EPF अकाउंट होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन है कि अगर आप ये पेंशन पाना चाहते हैं तो मिनिमम आपकी 58 ईयर्स की एज होनी चाहिए। हालांकि कुछ एक चेंज इसमें मॉडिफिकेशंस भी हैं, आप 58 साल से कम में भी चीज़ें पा सकते हैं, लेकिन पेंशन अगर आपको चाहिए तो 58 साल कंप्लीट होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपने सर्विस में 10 साल कंप्लीट कर लेने चाहिए। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि EPS की सर्विस आपको मिल जाए, पेंशन मिलती रहे, तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा आप पेंशन के लिए तो एलिजिबल नहीं रहेंगे, लेकिन जो आपका EPS में अमाउंट है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं 50 साल में, ये आपके पास ऑप्शन है। साथ ही साथ अगर आप 58 साल में पेंशन रिसीव ना करके उसको 2 साल डिफर करते हैं, मतलब 60 साल पे जाके अगर उसको रिसीव करना चाहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा 4% के रेट पे पेंशन मिलती है। अब हम देख लेते हैं कुछ फीचर्स के बारे में इसके। जैसा EPF में सेम इसी तरह से चूंकि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है ये स्कीम, तो इसमें रिस्क जो है ना के बराबर है। साथ ही साथ फिक्स रिटर्न है जो कि EPFO के द्वारा अनाउंस होते हैं। इसके अलावा इसमें ऑप्शन है कि जो भी EPS में आपका पैसा है उसको आप 50 साल की उम्र से विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेंशन पाना चाहते हैं तो मिनिमम पेंशन जो है वो 1000 रुपये की है। साथ ही साथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो EPS के कॉन्ट्रीब्यूशन हैं पेंशन वाले, वो है उसमें किसी भी तरह का इंटरेस्ट जो है वो आपको रिसीव नहीं होता है। साथ ही साथ अगर आपने EPF में एनरोल किया हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली पेंशन EPS में भी एनरोल हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। अब हम देख लेते हैं कि पेंशनेबल सैलरी क्या चीज़ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। पेंशनेबल सैलरी, जैसा पहले मैंने बताया कि एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 12% ऑफ बेसिक प्लस DA, वो टोटली EPF में ऐड नहीं होता है, बल्कि उसका 8.33% जो है वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है और बाकी का जो 3.67% है वो EPF में ऐड होता है। लेकिन पेंशनेबल सैलरी क्या चीज़ है, ये आपकी पेंशन जो है वो डिसाइड करती है पेंशनेबल सैलरी। और ये पेंशनेबल सैलरी जो है ये लिमिटेड है आपके 15,000 रुपये तक, मतलब आपकी बेसिक प्लस DA ये मिला के अगर आपके 15,000 रुपये है तो उस बेस पे आपकी पेंशन निकाली जाती है जो 1250 रुपये होती है 8.33% ऑफ बेसिक प्लस DA, मतलब 15,000 रुपये का। अगर आपकी सैलरी इस 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो 8.33% जो है वो तो 15,000 रुपये तक ही लगेगा, मतलब कि 1250 रुपये जो है वो आपकी मैक्सिमम पेंशन जो है वो EPS में ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी सैलरी जो है 15,000 रुपये से जो ज़्यादा है तो बाकी बचा हुआ अमाउंट है जो 8.33% वो अब EPF में चला जाएगा। मतलब बात यह है कि मैक्सिमम EPS में मंथली जो अमाउंट जा सकता है एम्प्लॉयर का वो 1250 रुपये है अकॉर्डिंग टू योर 15,000 सैलरी। लेकिन अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो जो 8.33% आ रहा है वो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है 1250 रुपये माइनस करने के बाद, वो भी पैसा EPF में ऐड हो जाएगा 3.67% के अलावा। अब हम देख लेते कुछ और पॉइंट्स। पेंशनेबल सैलरी तो हमने देख ली थी, पेंशनेबल सर्विस क्या चीज़ है। तो ये वो सर्विस है जो आपका मेंबर जो है टोटल सर्विस पीरियड में एम्प्लॉयड है। तो ये जो पेंशनेबल सर्विस है ये 6 मंथ्स बेसिस पे कंसीडर की जाती है।
अगर 10 साल 2 महीने सर्विस की है तो 10 साल कंसिडर होगा, 10 साल 4 महीने सर्विस की है तो 10 साल 6 महीने कंसिडर होगा, इस तरह से। अगर मैं मंथली पेंशन स्कीम की बात करूँ तो ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, आपका सर्विस पीरियड मल्टीप्लाइड विद पेंशनेबल सैलरी डिवाइडेड बाय 70, ये जो वैल्यू निकल के आती है ये आपकी मंथली पेंशन कहलाती है। फिर हम देख लेते हैं ईपीएस विड्रॉल के बारे में। तो इसकी दो कंडीशंस हैं, अगर आपने 10 साल से कम काम किया है, कम वर्क किया है तो क्या कंडीशंस हैं, और अगर 10 साल से ज़्यादा आप वर्क कर चुके हैं तो क्या कंडीशंस हैं। तो पहले हम देख लेते हैं 10 साल से कम अगर काम किया है तो क्या कंडीशन है। अगर आपने 10 साल से कम सर्विस की हुई है तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आपका जो भी ईपीएस अमाउंट है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयड हैं, मतलब अगर आप वर्क कर रहे हैं और फिर भी अगर आपने 10 साल कंप्लीट नहीं किए हैं तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप आपका ईपीएस अमाउंट को विड्रॉ कर सकें। अगर आपको विड्रॉ करना है ईपीएस अमाउंट को तो आपके पास फॉर्म 10C का ऑप्शन है। तो जैसा मैंने बताया कि फॉर्म 10C से आप विड्रॉ कर सकते हैं अगर आप 10 साल कंप्लीट नहीं किए हुए हैं और आप वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर आप वर्क कर रहे हैं और फिर आपने 10 साल कंप्लीट नहीं किए हैं तो फिर आपके पास में ये विड्रॉ करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आपने 10 साल से ज़्यादा वर्क कर लिया है तो ईपीएस विड्रॉल उस केस में भी आप नहीं कर सकते हैं, आपको पेंशन के रूप में ही पैसा लेना पड़ेगा। और अगर आप 50 साल में जाके पैसा निकालना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है जो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉर्म 10C को फिल करके आप इस स्कीम का सर्टिफिकेट ले सकते हैं जिसके थ्रू आपको आफ्टर 58 ईयर्स पेंशन मिलेगी। कुछ और पॉइंट्स हैं इसके बारे में। अगर आप पर्सन जो है अपनी जॉब चेंज करता है तो ईपीएफ अमाउंट को तो वो न्यू आईडी में ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन जो पेंशन अमाउंट है आपका ईपीएस का वो ट्रांसफर नहीं होता है और वो ओल्ड मेंबर आईडी पे ही रहता है। ये बात ध्यान रहे कि जब भी आप जॉब चेंज करते हैं तो ईपीएफ जो है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन ईपीएस इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आपने 10 साल कंप्लीट नहीं किए हैं और आप 2 महीने से ज़्यादा अनएम्प्लॉय हो गए हैं तो भी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अपना ईपीएस अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। सेम कंडीशन ईपीएफ में भी है, ईपीएफ का अमाउंट भी आप 2 मंथ के अनएम्प्लॉयमेंट के केस में विड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर जो अमाउंट है उसको भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ टाइप की पेंशन जो इसमें अवेलेबल हैं। सबसे पहली पेंशन अवेलेबल है विडो पेंशन। ये जो भी मेंबर है उसके अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो विडो जो है उसको मिलती है फॉर अ लाइफ टाइम और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। फिर उसके अलावा जो भी उनके चिल्ड्रन है उसके लिए चाइल्ड पेंशन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए जब तक कि उनकी एज 25 साल तक की नहीं हो जाती। उसके अलावा अगर मेंबर की भी डेथ हो जाती है और उनके वाइफ की भी डेथ हो जाती है तो बच्चे जो हैं उनके लिए जो पेंशन है दैट इज ऑर्फन पेंशन कहलाती है वो। एंड इसके अलावा रिड्यूस्ड पेंशन है कि अगर आपने 58 साल से कम टाइम में अगर आप पैसा लेना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है और 4% रिड्यूस्ड रेट पे आपको पेंशन मिलेगी। मतलब अगर आप 58 साल में ना लेके 56 साल में पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको 100% माइनस 2 × 4 दैट इज 8%, तो 92% ऑफ द ओरिजिनल पेंशन अमाउंट जो है वो आपको मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं ईपीएस के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल नूतन स्टडीज़। थैंक यू।